नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ECC क्लासेस पर। दोस्तों मैं मनोज सिंह आज की क्लास में 14 जून के करंट अफेयर्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल ECC क्लासेस से आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए एक विशेष गीत जारी किया है। हाल ही में किसने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए एक विशेष गीत जारी किया है। DRDO ने, ITBP ने, IAF ने, इनमें से कोई भी नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ITBP। ITBP ने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए एक विशेष गीत जारी किया है। दोस्तों गीत के शब्द कुछ इस प्रकार हैं, रख हौसला हिम्मत ना हार, रख हौसला हिम्मत ना हार। ITBP के फुल फॉर्म है दोस्तों इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP की फुल फॉर्म है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। अक्षय कुमार, महेंद्र सिंह धोनी, सोनू सूद और अनुष्का शर्मा। आंसर है दोस्तों, हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। ठीक है, सोनू सूद को क्यों बनाया गया, क्योंकि आजकल सुर्खियों में है। ओके, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर है श्रद्धा कपूर। JBL एक स्पीकर कंपनी है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों सारा अली खान। एडिडास की मानुषी छिल्लर और प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने और हरियाणा ने। हाल ही में मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश इसका आंसर है दोस्तों। जिस प्रकार पुलिस और डॉक्टर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उसी प्रकार ये भी कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है। महिला मास्क बनाकर सरकार को 11 रुपये में बेच सकती है दोस्तों। सबसे खराब शिशु दर मध्य प्रदेश की ही है, शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDBI बैंक के निदेशक कौन है, नए निदेशक कौन है। अनिल वल्लूरी, संदीप महाजन, अंशुमन शर्मा। और इसका आंसर भी अंशुमन शर्मा ही है। IDBI बैंक के नए निदेशक अंशुमन शर्मा है। IDBI बैंक दोस्तों, बैंक ऐसा घर जैसा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है। बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील, इनमें से कोई भी नहीं। और हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में पहले नंबर पे है दोस्तों बेल्जियम। पहले नंबर पे कौन है, बेल्जियम फीफा रैंकिंग में। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है फ्रांस, तीसरे नंबर पे है ब्राज़ील। और इसमें भारत का नंबर कौन सा है फीफा रैंकिंग में, भारत का नंबर है दोस्तों 108वां। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में, जो कि कहाँ पर है, जो कि है स्विट्जरलैंड में। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की फुल फॉर्म है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार में 8.2 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान कहाँ पर पहुँच गया है। और इसी के साथ भारत का जो स्थान है वो 5वें नंबर पे पहुंच गया है दोस्तों। ठीक है, कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत ने कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया है, जिस कारण विदेशी भंडार भारत का बच गया है दोस्तों। 1990-1991 में भारत का विदेशी भंडार बिल्कुल जीरो हो गया था, बिल्कुल शून्य हो गया था दोस्तों। इसलिए भारत सरकार ने बहुत सारा टन सोना इंग्लैंड में पहुंचाकर विदेशी मुद्रा भंडार भरा था। अब भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि एक साल तक भारत शॉपिंग कर सकता है या माल मंगवा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को मेडल ऑफ ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। अनुपमा गायत्री, आरती महिया, सुंदरी भागीर और शोभा शेखर। इसका आंसर है दोस्तों शोभा शेखर को मेडल ऑफ ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा।
इन्होंने हाल ही में अमेरिका में कीर्ति नाम का म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? रंगहीनता जागरूकता दिवस कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों 11 जून 12 जून 13 जून और 14 जून कलर ब्लाइंडनेस डे रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 13 जून को। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? हैदराबाद ने, नई दिल्ली ने, कोलकाता ने, मुंबई ने? और हैदराबाद की पुलिस ने महिलाओं के लिए, हैदराबाद की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत जिन महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा या कोई भी बुरा काम होता है उनकी सहायता की जाएगी। हैदराबाद पुलिस ने ये पहल करी है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कोरोना से प्रभावित टॉप 10 देशों में भारत का कौन सा स्थान आ गया है? तीसरा, चौथा, पाँचवा और सातवां। और हाल ही के आज ही भारत का स्थान चौथा बन गया है दोस्तों कोरोना के मामले में। आज भारत में टोटल केसों की संख्या है 321,000 और सबसे ज़्यादा है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो आज की क्लास थी दोस्तों इतनी ही। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोग हमारी क्लास में पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को कोई भी बात पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करें। आज की सफाई यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।